Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket, Ganganagar, Mavana Road, Meerut. काफी पशोपेश के बीच उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ यात्रा को अपनी मंजूरी दे दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर यह अहम फैसला मुख्यमंत्री ने आला अफसरों के साथ बैठक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता करने के बाद लिया। यूपी के सीएम योगी पहले ही कांवड़ यात्रा को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। इससे पहले सीएम धामी का यह बयान सामने आया था कि कांवड़ यात्रा किसी एक राज्य का मसला नहीं है, यूपी व दिल्ली से भी पहले इस बारे में बात करनी होगी। अब यूपी व उत्तराखंड के सीएम कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर केंद्र को प्रस्ताव देंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं fastbite.tv। दिलचस्प व गंभीर बात यह है कि कांवड़ यात्रा के संचालन का यह फैसला उस वक्त आया है जब कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण पहाड़ों पर उमड़ी भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही अपनी नाराजगी जताते हुए जवाब तलब कर चुका है। यही कारण है कि कैंपटी फॉल पर अब एक बार में 50 पर्यटकों के नहाने की ही इजाज़त दी गई है। कैंपटी फॉल पर जिस तरह लोगों की एकाएक भीड़ उमड़ी है, उसने सभी लोगों को हैरत व परेशानी में डाल दिया है। मनाली की भीड़ भी कम डरावने वाली नहीं है। निर्धारित प्रोटोकॉल पूरे करने के शर्त पर कांवड़ यात्रा को दो राज्यों ने भले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन तीसरी लहर की गति पर इसका कितना असर पड़ेगा यह वक्त ही बताएगा। कोरोना के कारण पिछले साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हाल ही में यहाँ पुलिस अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में भी यह राय बनी थी कि संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए फिलहाल कांवड़ यात्रा को स्थगित रखना चाहिए। हर साल जुलाई में श्रावण का महीना आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, जो अगस्त की शुरुआत तक चलती है। इस एक पखवाड़े के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। गंगा जल से वह अपने गांवों और घरों में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना कम अवश्य हुआ है, लेकिन खत्म नहीं, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग व सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करें। जब तक जरूरी ना हो घर से न निकलें। सेफ रहें, देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।